वेलकम मैथ एजुकेशन बाय अमित में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है हमसे कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि आप ये शो कीजिए कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है, हमें ये शो करना है। चलिए शो करते हैं, सोल्यूशन में लिखते हैं। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर हम करें तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीनों एंगलों का सम क्या होता है? 180। तो तीनों एंगलों का सम क्या हो गया? 180। अब इसमें एंगल बी उसने दे रखा है कि क्या है? 90 डिग्री है। कहा है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यानी कि 90 डिग्री है। तो यानी कि एंगल ए प्लस बी की जगह क्या रखते हैं? 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल सी बचा ना, ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी कि 180 माइनस 90 डिग्री यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ओके, अब देखिए इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके क्या है? 90 है। और अकेला बी क्या है? 90 डिग्री है। बी अकेला ही 90 है, यानी कि ये दोनों मिलके एंगल बी के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमसे ये कंक्लूजन यहां पे ये निकलता है, देयरफॉर एंगल ए लेस होगा किससे? एंगल बी से, ठीक है। एंगल बी से क्या होगा? लेस होगा एंगल ए, ठीक है। अगर अलग अलग लोग अलग अलग एंगल ए अलग लोगे तो एंगल बी से क्या होगा? लेस होगा। इसी तरह सिमिलरली एंगल सी जो है वो भी क्या होगा? लेस होगा एंगल बी से, लेस होगा, ठीक है। अलग अलग ले रहे हैं, एक साथ लेंगे तो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के, लेकिन अलग अलग लोगे तो एंगल बी के बी से क्या होगा? लेस होगा। अब यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एंगल ए के ठीक सामने वाला जो साइड है, ठीक है, एंगल ए के ठीक सामने वाला साइड कौन सा है? बी सी। यानी कि यहां पे बी सी ले लेंगे, बी सी लेस होगा किससे? एंगल बी के ठीक सामने वाला साइड, एंगल बी के ठीक सामने वाला साइड, ठीक है, हाइपोटेनस यानी कि ए सी से। ए सी से क्या हो गया? लेस हो गया, ठीक। बी सी क्या हो गया? ए सी से लेस हो गया। चलिए अब एंगल सी जो है, सी के जस्ट सामने वाला क्या है? ए बी है, ठीक है। तो ए बी जो है हमारा, ए बी, ठीक है, ए बी लेस होगा एंगल बी के जस्ट सामने वाला ए सी से, ठीक है। अब देखो बी सी हमारा लेस हो गया ए सी से और ए बी हमारा क्या हो गया? लेस हो गया ए सी से। यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों हमारी ए सी से क्या हो गई? लेस हो गई, छोटी हो गई। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।